हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट गेस्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, यू कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में हम लोग यू कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है यू हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोग यू कह सकते हैं कि जायगोट टू इम्प्लांटेशन, यानी कह सकते हैं जायगोट टू इम्प्लांटेशन यू कह सकते हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं। अब आफ्टर द इम्प्लांटेशन यानी आफ्टर द इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी इम्प्लांटेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट यानी कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रुला, यानी जो ब्लास्टुला जो स्टेज होती है जिसे हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला था वो कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुलेशन इट मींस दैट इट इज ए प्रोसेस ऑफ या बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला गैस ट्रुला, इस बात समझे। और यू कह सकते हैं कि गैस्ट्रुला स्टेज कम आफ्टर यानी कम आफ्टर अप्रोक्स 15 टू 20 डेज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 15 टू 20 डेज की बात, और हम लोग इस समरी के माध्यम से हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट गैस्ट्रुला यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ओके, गैस्ट्रुला इज कंसिस्ट बाय थ्री जर्मिनल लेयर्स, यानी इसको आप समझेंगे कि गैस्ट्रुला के पहले की जो एम्ब्रियो स्टेज जो वो थी वो ब्लास्टोसिस्ट थी, और ब्लास्टोसिस्ट इज कवर्ड बाय, ये मैंने आपको शो बता दिया था या लास्ट वाली वीडियो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि गैस्ट्रुला यू कह सकते जो ब्लास्टुला स्टेज इज कवर्ड यानी कैसे कवर विद कव बाय ट्रोफोब्लास्ट, एंड यू कह सकते हैं कि इट हैज ए कैविटी, दिस नो द ब्लास्टोसिस्ट हम उसको पढ़ चुके हैं, और दीज आर इनर सेल मोस, और ये भी हमने कह दिया बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट कह सकते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे डिवाइडेड एंड डिफरेंटेड इनटू टू लेयर्स, यानी कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूस या दे फॉर्म एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी इनके द्वारा जो ट्रोफोब्लास्ट है इनके द्वारा तो क्या बनती है फ्रेंड्स एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लाइक एज कोरियोन एलेंटोइस, और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कोरियोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और यू कह सकते हैं कि ये जो जितने भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन बनती है दे डू नॉट पार्ट इन एम्ब्रियोजेनेसिस, बट यू कह सकते हैं दे हेल्प या यू कह दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड रिमूव द CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये इनर सेल मोस यानी इनर सेल मोस डिवाइडेड यानी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, इन्हीं के द्वारा थ्री लेयर्स होती है उन्हीं के द्वारा थ्री जर्मिनल जो लेयर्स होती है उन थ्री जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और थ्री जर्मिनल जो लेयर्स होती है यू कह सकते हैं थ्री जर्मिनल लेयर्स आर यू कह सकते वन ऑफ वन ऑफ देम एपिडर्मिस, सेकंड वन एपिडर्म एंड थर्ड वन इज एंडोडर्म, यू कह सकते हैं कि गैस्ट्रुला स्टेज इज कंसिस्ट मेनली थ्री जर्मिनल लेयर्स। ओके स्टूडेंट, तो थ्री जो जनरली यानी थ्री जो जर्मिनल लेयर्स थी जो यू कह सकते हैं हम इसको ड्रो भी कर सकते हैं, सर दिस इज ए यू कह सकते हैं एक्टोडर्म, दिस इज मेसोडर्म एंड दिस इज ए एक्टोडर्म। ओके स्टूडेंट, और ऑल द लेयर्स या ऑल जर्मिनल लेयर्स आर कंटेन या कंसिस्ट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं और यू कह सकते ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स आर प्रोड्यूस बाई इनर सेल मोस। ओके, और इन्हीं इनर सेल मोस के द्वारा ही इन तीनों जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और इन थ्री जो जर्मिनल लेयर्स की जो ब्लास्टोमियर्स या ब्लास्टोमियर्स ऑफ दीज जर्मिनल लेयर्स प्रोड्यूस होल एम्ब्रियो या होल फिटस या होल इंस्पेक्टेड बेबी या इन्फेंट बेबी का जो डेवलप होता है पूरी बॉडी का इन्हीं ब्लास्टोमियर्स से होता है अंडरवुड, और ये सारे ब्लास्टोमियर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं मूव लाइक ए अमीबा यानी अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं, यानी यू कैसे अमीबेटिक मूवमेंट करते हैं एंड रीच देयर एक्चुअल पैलेस एंड फॉर्म ए ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो यू कैसे इन जितने भी जो जर्मिनल लेयर्स हैं इनके द्वारा हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलप होता है वो मैंने पहले आपके लिए लिख रखा है स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी करते हैं। फ्यूचर ऑफ एक्टोडर्म, सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर ऑफ जर्मिनल लेयर्स यानी जितने जो थ्री जर्मिनल जो लेयर्स हैं इनका फ्यूचर यानी कौन से जर्मिनल लेयर्स से हमारी बॉडी के कौन से पार्ट का या ऑर्गन्स या सिस्टम का यू कह सकते फॉर्मेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडर्मल यू कह सकते सॉरी फ्यूचर ऑफ एंडोडर्म, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें
एक्टोडर्म के द्वारा कौन से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं? सबसे पहला एपिडर्मल, यानी हमारे बॉडी का जो इंटेग्रमेंट सिस्टम होता है, यानी अध्यावनी जो सिस्टम होता है, इट इज मेड बाय द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल यानी एपिडर्मल एंड देयर यू का एपिडर्मल डेरिवेटेड स्किन ग्लैंड्स, एंड हमारी स्किन जितनी भी ग्लैंड्स होती है, लाइक यू कह सकते हैं कि जो जितनी भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती है, ऑयल ग्लैंड्स है, यह कह सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स है, जितनी भी है उन सभी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स है, उन सभी का फॉर्मेशन होता है। सलाइवरी यू का सलाइवरी ग्लैंड्स का होता है, इनेमल ऑफ टीथ यानी हमारे टीथ का जो इनेमल, इसको आप लोग लिसन प्रॉपरली स्टूडेंट, लिसन एंड वॉच केयरफुली। ब्रेन यू कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, अगर बात यू कर सकते हैं ब्रेन का हमारे बॉडी में, और स्पाइनल कोड, हमारे बॉडी जो स्पाइनल कोड है उसका फॉर्मेशन करता है। यह यू कह सकते हैं कि एक्टोडर्म हमारी बॉडी का यू कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो यू कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और यू कह सकते हैं पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड यानी मेडुला, एंड मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी कि दीज ऑल पार्ट आर डेवलप्ड, यू कैन डेवलप्ड बाय एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म द्वारा फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? सेकंड जो डर्म स्टूडेंट्स, मेजोडर्म, मेजोडर्म यू कह सकते हैं, मेजोडर्म का जो फ्यूचर होता है, यू कह सकते हैं डर्मिस हमारी यानी स्किन का जो एपिडर्मिस के नीचे के लेयर इस डर्मिस है, मस्कुलर यू कह सकते हैं हमारी बॉडी के जितने भी पेशी जो सिस्टम है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उनका फॉर्मेशन ये करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड है, उन सभी का फॉर्मेशन इसी मेजोडर्म से होता है। यू कह सकते हैं अगर यू का हार्ट बॉडी की बात हम लोग, यू कह सकते हैं हार्ट है, ब्लड डक्ट है, किडनी, स्पैनप्लिया है, डेंटिन ऑफ टीथ यानी हमारे टीथ, हम देख सकते हैं हमारे बॉडी में जो टीथ है, स्टूडेंट टीथ का जो यू कैसे इनेबल पार्ट, इट इज हार्डेस्ट हार्डेस्ट मैटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड जो पार्ट है इनेबल होता है, और इट इज प्रोड्यूस या इट प्रोड्यूस बाय एक्टोडर्म, और जो इनेबल होता है, इनेबल सॉरी डेंटिन होता है, डेंटिन इज द यू कह सकते हैं जस्ट लाइक ऑर्गेनिक मैटर, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज यू कह सकते लाइक ए बोन, यानी हमारी जो बॉडी की बोन्स होती है उसकी तरह होता है, जो हमारी टीथ का फॉर्म होता है, तो डेंटिन ऑफ टीथ है। और यू का एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट, यानी एड्रिनल ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल यानी पहले पे एड्रिनल, एंड यू का सेंट्रल इज मेडुला, हम पढ़ चुके हैं, तो इसके दोनों भाग का फॉर्म अलग अलग टर्म होता है। एंडोडर्म अगर हम लोग यू कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ एंडोडर्म, यू कह सकते हैं यू कह सकते हैं विच ऑर्गन, यानी कौन से ऑर्गन जो इनके द्वारा फॉर्म होता है, एंडोडर्म प्रोड्यूस, एंडोडर्म फॉर्म है इज सेवरल बॉडी ऑर्गन्स, ओके, लाइक दीज आर फॉलोइंग, दीज आर फॉलोइंग। सबसे पहले बात यू पे हमारी बॉडी एलिमेंट्री जो कैनाल से जुड़ा है, एलिमेंट्री कैनाल की बात हम कर सकते हैं, जो सलाइवा ग्लैंड्स यू पे प्रोड्यूस, यू पे या प्रोड्यूस बाय एक्टोडर्म, बट यू कह सकते हैं स्टोमक है, लीवर है, एंड पैनक्रियाज, यू पर दीज आर ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाय एंडोडर्म, यानी यू कह सकते हैं ब्लास्टोमियर एंडोडर्म, और ईच ब्लास्टोमियर इज डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके सॉरी ह्यूमन एम्ब्रियो। इसके अलावा यू कैसे रेस्पिरेशन, अगर यू का हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो हमारे का हम कैसे सबसे अंदर बोलते हैं, उसके द्वारा यूरिनरी जो ब्लैडर है, हमारी बॉडी के जो यूरिनरी ब्लैडर उसका फॉर्म ये करता है, वेजाइना है, यूरेथ्रा है, यानी यू कह सकते हैं यूरेथ्रा हमारी बॉडी, यानी ह्यूमन मेल और फीमेल के अंदर यू कह सकते हैं कि जिसके द्वारा यू कह सकते वी पास द यूरिन, यानी वी पास द यूरिन, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एंडो यू कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यू कैन इंक्लूड यू कैन जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, थायमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, ये मैंने लिखा नहीं है, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस एक्सेप्ट यू कह सकते हैं एक्सेप्ट द पिट्यूटरी एंड पीनियल, इन दोनों को छोड़कर जितने भी जो ग्लैंड्स है बाकी उन सभी का फॉर्मेशन इनके द्वारा होता है। तो स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे कि ये जितने भी जो हमारे जो तीनों डर्म है, ये हमारे बॉडी के कौन से भाग का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यू कह सकते हैं आई एम डूइंग, यू कह सकते हैं आई एम डूइंग रेज, अब इसको रेज कर रहा हूं और इसको आप लोग आराम से पोज करके देखेंगे। अब सर हमारा जो नेक जो पार्ट है, यू कह सकते हैं अब जो हमारा जो एम्ब्रियो है, यू आफ्टर द गैस्ट्रुएशन, आफ्टर द गैस्ट्रुएशन के बाद में अब हम लोग जो जो हमारा जो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम लोग यू कह सकते हैं वी कैन डिवाइड इनटू वीक्स, वीक एंड मंथ हम लोग यू कह सकते हैं। तो हमने यह पहले लिख रखा समरी ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द ह्यूमन, ह्यूमन में हमने एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट की समरी लिखी है स्टूडेंट, और का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यू कह सकते हैं कि जायगोट फॉर्मेशन, टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, थ्री एट सेल, 16 मॉड्यूल आ गए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस यू कह सकते हैं कि जो समरी यू कह सकते हैं कि फ्रॉम जायगोट टू पार्टी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
कि फर्टिलाइजेशन टू फर्ट वी की बात हम कर सकते हैं। तो एप्रोक्सी सबसे बड़ी बात हुई, सबसे पहले बात हुई स्टूडेंट से कि एप्रो 24 to 2 यानी 24 to 40 आवर्स यू कह सकते हैं, इतना टाइम तो फर्टिलाइजेशन में लगता है। यू कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स एंड रैंडम प्रोसेस। यू कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के अंदर अप्रोक्स 24 यू कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन 24 to 48 आवर इतने होते हैं, और अप्रोक्स यू कह सकते हैं 48 आवर्स इक्वल टू 2 days। ओके स्टूडेंट, आफ्टर यू कह सकते 2 days, 2 दिन के बाद में जो जायगोट है या जो एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू 2 cell stage, 4 cell stage एंड 8 cell stage, ये सारे स्टेज है एम्ब्रियो की। और यू कह सकते अप्रोक्स 3rd day यानी फर्टिलाइजेशन के 3rd day का बात यू कह सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है उसके अप्रोक्स यू कह थर्ड यू कह 3rd day ऑफ द यू कह सकते फर्टिलाइज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, यानी मोरूला का फॉर्मेशन हो जाता है यू कह सकते हैं। और मोरूला का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ओविडक्ट के अंदर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अप्रोक्स 40 या 4th डे ऑफ द यूनियन ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद इम्प्लांटेशन यू कह सकते हैं अप्रोक्स इस वीक में यानी फर्स्ट वीक में 7th रूल यानी अगर यू कह सकते एंड ऑफ द फर्स्ट वीक या एंड ऑफ द फर्स्ट वीक जो फॉर्मेशन जो होते हैं वो कंप्लीट यू कह सकते हैं कंप्लीटेड की हो जाती है। स्टूडेंट आफ्टर द सेकंड वीक अगर यू कह सेकंड वीक की बात हम कर सकते हैं तो सर फर्स्ट वीक सेकंड वीक अप्रोक्स यू कह सकते हैं अप्रोक्स एज इक्वल टू 14 डेज। ओके इसमें यू कह सकते हैं सबसे पहले बात यू कह सकते हैं इसके अंदर अगर यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होती है यानी आफ्टर द फर्स्ट वीक यू कह सकते हैं By end the second week, blastocyst completely embedded into, मैंने बता दिया था, embedded into endometrium, okay? और कॉमनली बात यू कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कह सकते हैं, these cover two embryo, और ये मैं बता दिया था, these produce, these developed by, यानी these developed by the trophoblast, okay student? तो आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड वीक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 3rd to 4th week। ओके हमने यहां पे समरी लिखी स्टूडेंट्स, और गेस्टेशन एप्रोक्सली इन ह्यूमन बॉडी की बात हम कर सकते हैं द गेस्टेशन या यू कह सकते हैं द एवरेज प्रेगनेंसी, यू कह सकते हैं एवरेज पीरियड ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 months। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है अभी हम पढ़ेंगे एप्रोक्स 9 months का होता है। ओके स्टूडेंट तो हम लोग इसकी समरी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम लोग 3rd to 4th week की बात हम कर सकते हैं। 3rd to 4th week हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि 1 week has 7 days, तो 4 week का अप्रोक्स यू कर सकते हैं 4, 7 या 28 यानी अप्रोक्स 1 month। ओके तो यू कैन बाय एंड ऑफ 1 month यानी 1 month के बाद यू करते हैं गैस्ट्रुएशन। सबसे पहली बात यू है जो गैस्ट्रुएशन प्रोसेस है ये मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला फॉर्म हो जाता है, जर्मिनल लेयर्स यानी जो जर्मिनल जो लेयर्स होती है जो गैस्ट्रुला में वो फॉर्म हो जाती है और हार्ट का डेवलप हो जाता है एंड यू कह सकते हैं एज वेल एज ब्रेन लंग्स एंड किडनी आल्सो फॉर्म, यानी कह सकते हैं कि हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है आफ्टर या बाय एंड ऑफ द, इसको समझे स्टूडेंट्स बाय एंड ऑफ द 1 month यू कह सकते हैं फर्स्ट मंथ यानी अप्रोक्स या उसको कह सकते हैं 3 to 4 week कह सकते हैं या फर्स्ट मंथ भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट तो अप्रोक्सली हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मंथ के बाद डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और यू कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो हार्ट होता है यानी हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट पंप यानी कह सकते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो होता है या जिसे हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे एम्ब्रियो का जो हार्ट होता है वो स्टार्ट पंपिंग स्टार्ट कर देता है और ब्रेन लंग्स एंड किडनी ऑल्सो फॉर्म। ओके स्टूडेंट अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं By end of fourth, you can fourth to you can eighth, यानी यहाँ पर weeks हैं student, जिसको हम लोग मैंने लिखा है approx यू कर सकते हैं eighth week की बात हम कर 7 and 56 यानी approx 2 months। Okay student, आप week भी समझ रहे हो month भी समझ रहे हो after ये by end of 2 months, यानी 2 months में क्या होता है यानी कुछ formation में RBC formation complete होता है और सबसे पहली बात यू कर सकते हैं कि diaphragm यानी जो हमारी body में जो diaphragm यू कर it is a muscular एक यू कह सकते हैं कि मस्कुलर एक जिसे हमारे पास हम कह सकते हैं कि मस्कुलर एक बैरियर होता है स्टूडेंट मस्कुलर बैरियर होता है और इट डिफाइन यू कह सकते हैं इट इंट्रैक्ट द यू कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी यू कह या सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। ओके स्टूडेंट्स और इट इज ओक्यूल बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी यू कह सकते हैं और उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं तो इसका फॉर्म हो जाता है
हार्ट की जो पंपिंग है यू कह सकते हैं बाई एंड बाई एंड टू मंथ एप्रोक्सली हार्ट ऑल्सो फॉर्म वेन पहले बन चुका है, इसकी जो पंपिंग होती है वो सर 167 पर मिनट, स्टूडेंट्स को समझे। और सबसे बड़ी बात यू कह सकते हैं इस समय जो फ्रीटस जो जो एम्ब्रियो होता है वो कन्वर्ट इनटू जस्ट लाइक ए स्मॉल बेबी है, यू कह सकते हैं वो एप्रोक्सली छोटे बेबी में कन्वर्ट हो चुका होता है। और उस बेबी को हम लोग कह सकते उस एम्ब्रियो को we can say fetus। अब हम लोग एम्ब्रियो ना बोलते क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फीटस, क्योंकि इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाई एम्ब्रियन, एम्ब्रियन के द्वारा कवर हो जाता है। यू कह सकते हैं कि व्हेन एम्ब्रियन कवर, एम्ब्रियन कवर टू एम्ब्रियो देन वी, यू कैन देन वी से यू कह सकते हैं कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, फीटस। ओके स्टूडेंट, एंड यू कैन अप्रोक्सिमेट 90% ऑफ द यू कैन से होल डेवलप यानी कंप्लीटली रूप से जो एम्ब्रियो या फीटस की जो 90% डेवलपमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। और राइट, और इन दिस टाइम यू कैन से बाय एंड ऑफ द सेकंड मंथ जो फीटस का जो हैंड्स होते हैं यू कह सकते हैं दे मूव, यू कह सकते हैं कि दे मूव कर सकते हैं। और एप्रोक्सली 80% हैंड ऑफ द फीटस, हैंड्स ऑफ द फीटस यू कैन से मूव, यू कैन राइट हैंड उनका मूव करता है और जो रेस्ट जो फीटस हो सकते हैं उनके उन साथ मूवमेंट मूव करते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट। और दिस इज द फर्स्ट साइन, दिस इज द फर्स्ट साइन दैट कि जो बेबी होगा इनका आफ्टर द पेट्रुलेशन जो बेबी होगा वो राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा। तो ये सब चीज कैसे इट इज इनिशियल सिग्नल दैट कि फीटस यू कह सकते हैं कि आफ्टर द पार्टीराइजेशन यानी पार्टीलेशन के बाद में जो डेवलपिंग जो सेडलिंग हो गया, सेडलिंग जो बेबी होगा राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, थर्ड टू फोर मंथ आफ्टर द यू कह सकते बाय एंड द थर्ड ऑफ द, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो फीटस होता है वो कंप्लीटली जस्ट लाइक ए कन्वर्ट है कंप्लीटली स्मॉल बेबी की तरह चेंज हो जाता है। उसकी जो लेंथ होती है 28 सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, जो बहुत ही छोटा बेबी ग्रूम होता है, लेकिन उस दौरान उसके अंदर जो ग्लूकोज यू जो फीटस होता है और हम जान सकते हैं कि फीटस को ऑल द न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय द प्लेसेंटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लेसेंटा इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्लेसेंटा इज ओक्यूल बिटवीन यू कैसे बता दिया था कि डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस एंड फीमेल यूट्रस। तो हम लोग समझते हैं आफ्टर थर्ड टू फोर मंथ में एक्चुअली क्या होता है कि फीटस जो होता है जो गर्भ होता है वो ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है और वो भी कहां पर, उसके इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स होते हैं ऑल्सो डेवलप्ड यानी वो भी डेवलप हो चुके होते हैं। ओके, तो यहां पर जो फीटस होता है वो अपना स्टूल बनाता है और उसको स्टूल है उसके मलकों में क्या होती है स्टूडेंट मीकोनियम, और दीज रिमूव यानी यू कह सकते इट रिमूव बाय जो यू कह सकते हैं जो फीटस जो होता है कवर्ड व्हाइट लेयर यानी कह सकते हैं फीटस जो होता है एक कंप्लीट रूप से व्हाइट लेयर से यानी व्हाइट लेयर से कवर्ड होता है। मैंने बता दिया था कि फीटस कवर्ड बाय द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यू कह सकते वन इज कोरियोन एलेंटोइस एंड योक सैक आल्सो। ओके स्टूडेंट, एम्ब्रियो कोरियोन और योक सैक। ओके, तो यू कह सकते हैं कि फीटस कवर्ड व्हाइट मेम्ब्रेन या व्हाइट यू कैन व्हाइट लिक्विड भी कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्निश, उस व्हाइट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्निश बोलते हैं। इसको कंफर्म कर ले कि व्हेन द फीटस इज कंप्लीट कवर्ड बाय द व्हाइट लिक्विड व्हाइट फ्लूइड यू कैन से दिस इज कॉल्ड वर्निश। ओके, ग्रोथ ऑफ हेड ऐसे यू कह सकते हैं कि जो बेबी होती है डेवलपिंग जो फीटस होता है उसकी हेड्स के अंदर जो जो हेयर डेवलप्ड होता है और ग्रोथ बॉडी हेयर आल्सो बॉडी के हॉर्न्स में भी ग्रोथ होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यू कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी यू कह सकते हैं लंग्स दैट यू कैन से डेवलप यू जो उसके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट ब्रीथिंग यानी फीटस की जो जो लंग्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है डेवलप हो चुकी होती है। ओके, आफ्टर द सिक्स टू ब्रीथ, अब स्टूडेंट्स को हम पढ़ते हैं कि सिक्स टू ब्रीथ यू कह सकते हैं कि सिक्स मंथ टू ब्रीथ तक के अंदर यू कह सकते हैं इंक्रीज द बॉडी वेट, बॉडी के अंदर वेट में यू कह सकते हैं जो फीटस का जो बॉडी वेट है उसमें इंक्रीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात यू कह सकते हैं कि उसके अंदर जो लैक्टोल जो ग्लैंड्स उसकी जो टीएस जो ग्लैंड्स हो सकता है सो ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन फैट, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो स्किन जो होती है उसके अंदर ब्राउन फैट यू कैन एडिपोज जो लेयर होती है यानी स्पेस यू कैन बॉडी में जो टिश्यू लेयर होता है स्टूडेंट ब्राउन, इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि ब्राउन ले जो वो फेट उसका फॉर्मेशन होता है यू कह सकते हैं अप्रोक्स बिटवीन 6 टू 9 मंथ या 7 मंथ भी कह सकते हैं और यू कह सकते हैं द 7th मंथ फीटस यू कह सकते हैं द 7th मंथ फीटस यू कह सकते हैं कि कैन सरवाइव आफ्टर द डिलीवरी ओके और वो कहां बोलूं कि किसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट क्योंकि ये ब्राउन फैट क्या काम करती है इट हेल्प टू बॉडी टेंपरेचर इन बॉडी का जो टेंपरेचर होता है उस बॉडी टेंपरेचर मेंटेनेंस में क्या करती हेल्प करती इसीलिए 7th मंथ ऑफ द फीटस यानी 7 मंथ का फीटस यू मे बी सम टाइम डिलीवर्ड ओके डिलीवर्ड बाय द मैटरनल यानी कभी कभार कह सकते हैं जो मदर होती है वो के बाद 7 मंथ के फीटस को भी डिलीवर्ड कर देती है वो यू कह सकते मे बी सर्वाइवल इन आउटर एनवायरमेंट ओके स्टूडेंट ड्यू टू ब्राउन फैट ओके तो यू कैसे अप्रोक्सली यू कह सकते हैं कि व्हेन द कंप्लीट यू कह सकते हैं कि कंप्लीटली प्रेगनेंसी इज कम यू कैन प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो स्टूडेंट्स जो लेबर पेन जो फीमेल जो मैटरनल जो फीमेल होती है जो प्रेगनेंट फीमेल होती है उसमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो ये हमने यू कह सकते हैं कि हमने समरी पढ़ी अब हम स्टूडेंट यहां पर प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो जल्दी से हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी स्टूडेंट प्रेगनेंसी को कॉमनली बात यू कह सकते हैं या फिर इसका एक पॉइंट होता है गेस्टेशन पीरियड ओके स्टूडेंट जो गर्भ का भी कह सकते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड यू कह सकते हैं इट इज ए टाइम बिटवीन या इट इज ए टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी यू कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस या बेबी भी कह सकते हैं या पैट्रोसन भी कह सकते हैं या मैं यहां लिख सकता हूं पट्यूरिसन ओके स्टूडेंट पट्यूरिसन और कई बार बुक्स में यहां पर आई भी होता है तो पट्यूरिसन इट इज ए मीन ऑफ द प्रसव इसको आप समझेंगे और इट इज मीन ऑफ द गर्भकाल स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे गर्भकाल और इट इज मीन ऑफ द प्रेगनेंसी एक ही टर्म हम यूज कर सकते हैं तो कॉमनली बात है सर इट गेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी होती है यू कह सकते हैं इट स्टार्ट टू यू कह सकते हैं टू या फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्टनरशिप तो यू कह सकते हैं इट इज ए टाइम पीरियड यू कह सकते हैं इट इज ए टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी या फर्टिलाइजर टू पट्यूरेशन इट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड और हम लोग यू कह सकते हैं एन एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी यू कह ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे पीरियड ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9th मंथ अभी मैंने लिखा था एप्रोक्सी कितने मार्क्स होती है स्टूडेंट्स 9th मंथ ओके और ये हम लोग कई बार बोलते हैं कि जो मदर होती है या जो यू कह सकते हैं जो मैटरनल होती है यू कह सकते वो अपने बच्चों को ह्यूमन जो बीइंग में वो 9 माह तक यू कह सकते हैं कि 9 माह तक गर्भ के अंदर क्या डेवलप करती है स्टूडेंट ओके तो सबसे पहला जो हमारा अटैचमेंट होता है यू कह सकते हैं जितने भी रिलेशन हमारे बनते हैं आफ्टर द बर्थ होते हैं जन्म के बाद बनते हैं लेकिन सबसे जो मदर के साथ जो रिलेशन हमारा होता है यू कह सकते हैं इंक्लूड ऑल द हायर एनिमल जितने भी एनिमल्स हैं सभी में जो मदर का जो रिलेशन होता है किसी भी स्टर्लिंग के साथ या बेबी का वो सबसे पहला अटैचमेंट होता है उसके अटैचमेंट को जो फीमेल जो मैटरनल होती है वो सभी जो मूवमेंट करता है जो फीटस मूवमेंट करता है मैंने बताया आपको कि वो करवट चेंज करता है मूव करता है टर्न करता है अपने पैरों को कभी फोल्ड करता है यू कैसे सारे मूवमेंट्स होते हैं यू कह सकते हैं कि मैटरनल फीमेल यू कैसे मैटरनल पेरेंट्स फील ऑल देम यानी वो सब फील करती है ओके स्टूडेंट और ये सब यू कैन इट इज द फर्स्ट अटैचमेंट इट इज द फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ एनी फीटल विद देयर मैटरनल ये आप समझेंगे इसको तो एन एवरेज पीरियड ऑफ द ह्यूमन यू कैन ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ होता है और ये 9 महीने का जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद स्टूडेंट कौन सा प्रोसेस चालू होता है जिसे हम लोग डिलीवरी भी कह सकते हैं आप इसको समझेंगे डिलीवरी तो इसको आप समझिए स्टूडेंट पार्टुलेशन डिलीवरी यू कह सकते हैं कि व्हेन प्रेगनेंसी यू कह सकते हैं जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उस दौरान एक्चुअल में क्या होता है सर पार्टुलेशन का प्रोसेस होता है इसको भी कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है कि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो जो फीटल होता है या जो नवजात जो शिशु होता है वो वेजाइनल या वृद्ध कैनाल हमने बता दिया था और ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे सर्वाइकल या सर्विक्स मैक सर्वाइकल कैनाल यानी कह सकते हैं कि वृद्ध कैनाल अलोंग विद वेजाइना ये मैंने कहा था
तो यू कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट कम हो जाता है तो ये जो फीटस होता है वो नवजात बेबी क्रू में इसी वृत्त कैनाल से बॉडी से बाहर आता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यू कह सकते हैं कि पार्टुरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें मैं थोड़ा समझाऊंगा। इट इज, यानी इसको भी हम समझे, प्रसवी डिलीवरी यू कह सकते हैं, इट इज, यू कह सकते, इट इज ए कॉम्प्लेक्स, क्या समझे, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द न्यूरो, यानी न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो सॉरी एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि प्रसव एक जटिल तंत्रिकी है, यू कह सकते हैं अंतःस्रावी एक तकनीकी है। ओके स्टूडेंट, तो इट इज, यू कह सकते हैं पार्टुरेशन, यू कह सकते इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। स्टूडेंट आप इसको यू कह सकते हैं, यू प्रॉपरली लिसन कर रहे, प्रॉपरली इसको वॉच आउट भी कर रहे, तो इसको समझे। अब इसमें कह सकते हैं कि पार्टुरेशन को हम लोगों ने एक जटिल कॉम्प्लेक्स या डिलीवरी को हमने जटिल प्रोसेस क्यों बोला, कि जब यू कह सकते हैं कि अगर कॉमन सी बात यू कह सकते, जब डिलीवरी का या यू कह सकते प्रसव क्रिया का जो सिग्नल होता है, यू कह सकते प्रसव क्रिया कब होने वाली होती है या जो डिलीवरी प्रोसेस कब होता है उसके लिए क्या होता है, द सिग्नल होगा, यू कह सकते हैं द सिग्नल ऑफ, या यू कह सकते पार्टुरेशन सिग्नल ओरिजिनेट बाय, इसको आप समझे, ओरिजिनेट बाई या ओरिजिनेट फ्रॉम डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा, यानी कह सकते हैं कि पार्टुरेशन या पार्टुरेशन में जो टाइम आता है, प्रसव का जो टाइम आता है, तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो या डेवलपिंग जो फीटस और जो प्लेसेंटा होती है वो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, क्या करते हैं, एक सिग्नल, यू कह सिग्नल को ओरिजिनेट करते हैं। ओके, और वो सिग्नल एक्चुअली क्या, न्यूरॉन्स के माध्यम से, किसके माध्यम स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के माध्यम से हाइपोथैलेमस में आएंगे, और ऐसे सिग्नल को भी बोलते हैं, ऐसे सिग्नल को हम लोग ऑडियो कह सकते हैं फीटल, इसको समझिए, इस सिग्नल को बोलते हैं सॉरी फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको स्टूडेंट सब ध्यान देंगे, यानी फीटल यानी गर्भ इंजेक्शन यू कैन उत्सेप और रिसेप प्रतिवर्ती, यानी गर्भ के द्वारा, कॉमन सी बात है कि जो डेवलपिंग फीटल और प्लेसेंटा यू कह सकते हैं प्रोड्यूस या ओरिजिनेट सिग्नल, ओरिजिनेट ए सिग्नल फॉर डिलीवरी, यानी डिलीवरी का सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है स्टूडेंट्स, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो खुद है वो खुद ही क्या करता है, इसके सिग्नल को ओरिजिनेट करता है, और दीज सिग्नल जो होते हैं, यू कह सकते हैं दीज सिग्नल्स इंड्यूस, यानी इन्हीं सिग्नल्स की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जो यूट्रिन का जो मिल्ड पार्ट है, जो माइल्ड पार्ट है, उसमें हाईली कॉन्ट्रेक्शन यू कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड बाय दिस, यू कह सकते हैं कि सिग्नल की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जो यूट्रस का जो माइल्ड पार्ट होता है वहां पर एक हाईली कॉन्ट्रेक्शन होता है, और इसी कॉन्ट्रेक्शन से, ये जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं न्यूरोन के द्वारा, इस मैटरनल जो फीमेल होती है उसके काम पूछता है स्टूडेंट हाइपोथैलेमस, उसको समझे, और हाइपोथैलेमस सीक्रेट द हार्मोन्स, ये हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन जाकर किसको स्टिम्युलेट करता है, यू कैन एंटियर ऑफ द प्यूटरी ग्लैंड्स, इसको आप समझेंगे स्टूडेंट्स, यानी जो डिलीवरी जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने न्यूरोएंडोक्राइन क्यों बोला, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो यू कह सकते हैं कि साथ साथ भाग लेती है, एज वेल एज न्यूरो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, तो साथ भाग लेती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो यू कह सकते हैं सीक्रेट, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेट ऑफ द ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन, इसको समझेंगे। ओके, और इसी ऑक्सीटोसिन का रिलीज कब होगा, जब प्लेसेंटा और डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो प्रसव या डिलीवरी का एक्चुअल में क्या होता है, एक सिग्नल ओरिजिनेट करता है, सिग्नल, ओके स्टूडेंट, और ये सिग्नल उसके यूट्रस के अंदर एक यू कैसे कॉन्ट्रेक्शन उत्पन्न करता है, ये कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं बाय न्यूरॉन्स रीच द हाइपोथैलेमस, ओके, और देन उसके बाद क्या होता है कि प्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो अग्र पार्ट जो मैंने बताया था कि प्यूटरी ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू टू बाय एंटीरियर कोशिका, ओके स्टूडेंट, एंटीरियर जो पार्ट होता है ओरिजिनेट या इसका सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसकी वजह से जो यूट्रिन का या जो यूट्रस की जो मस्कुलर जो पार्ट होता है, एंड्रोमेट्रियम जो पार्ट, माइमेट्रियम जो लेयर होता है यूट्रस, उसके अंदर हाईली कॉन्ट्रेक्शन होता है, और उसे फीटस को या जो डेवलप्ड जो फीटस होता है उसको एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्विकल, यानी जो सर्वाइकल पार्ट होता है, यानी सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट होता है यूटर, यानी यूट्रस के सर्वाइकल पार्ट को धकेला जाता है, यानी यू कह सकते हैं पुश, यानी यू कह सकते हैं
push to, you can push to developing tissue toward to cervix from uterus, and uterus se cervix ko dhakela जाता है, और उसके बाद यू कह सकते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन आल्सो, इसके द्वारा क्या होता है कि रिलैक्सिंग, यानी कह सकते हैं प्लेसेंटा आल्सो सीक्रेट ऑफ रिलैक्सिंग हार्मोन्स। हम पढ़ चुके हैं कि अपन यू का प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये रिलैक्सिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, हेल्प इन यू कैसे स्मेल करता है कि जो मैक्रन जो बॉडी होती है उसके जो पेल्विक बोन्स होती है, पेल्विक बोन्स यू कहते हैं फ्यूबिस सिंबायसिस, यानी पेल्विक बोन का जो जंक्शन होता है फ्रेंड्स, पेल्विक बोन जो हमारी वही बोन्स बनाती है, सोडियम मेटा बोलते हैं, उस पेल्विक बोन के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, ओके, और दिस हेल्प इन डिलीवरी। और इसके बाद इन सभी रीजन से ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिंग हार्मोन्स के कह सकते हैं कि जो इंड्यूसन की वजह से जो फीटल होता है वो सर्वाइकल यानी यूट्रस से सर्विस होता है, और वित्त कैनाल से बॉडी से इसको डिलीवर कर दिया जाता है, और ये ऑल प्रोसेस और कोल्ड पर्टुरेशन ओके डिलीवरी का, यानी कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग फीटस रेडी फॉर डिलीवरी, और इसी डिलीवरी प्रोसेस को हम क्या बोलते स्टूडेंट पर्टुरेशन। तो ये आप समझ गए होंगे, और इसके अंदर कैसे न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर टेक पार्ट या टैग पार्ट, ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं रिलीज करूं। अब इसके बाद ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो डिलीवरी जो पार्ट्स है यू कैसे जो डिलीवरी जो प्रोसेस है इसको हम एक बार और समझेंगे कि डिलीवरी प्रोसेस के लिए कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल रिक्वायरमेंट्स, यू कह सकते हैं कि मेनली थ्री रिक्वायर्स या रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी या पार्टुरेशन प्रोसेस के लिए मेनली थ्री जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्टूडेंट। सबसे पहला क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं जो मैटरनल बॉडी के जो यूट्रस होते हैं उनमें हाईली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ओके, और रिलैक्सेशन इन पेल्विक लिगामेंट्स या लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक, ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोन जो कैविटी होती है यानी एम्ब्रियो मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियो इसको समझे, एम्ब्रियोन जो मेम्ब्रेन होती है और यू कैसे रैप्चर होती है, और उसके बाद उसका जो एम्ब्रियो जो फ्लूइड होता है वो यू कह सकते हैं डिस्चार्ज थ्रू द वृद्ध कैनाल या यू वेजाइनल या वेजा ओपनिंग से द्वारा उसको डिस्चार्ज हो रही है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी यानी सॉरी स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी। और उसके बाद में यू कह सकते हैं कि जो फिटस होता है उसकी जो हेड पार्ट होता है उसको थ्रो यानी पुश किया जाता है, और पुश के बाद में ये बेबी जो होती है वो बॉडी से बाहर आती है, आफ्टर सम टाइम थोड़े देर के बाद में जो एब्डोमिनल यू कह सकते हैं अम्बिलिकल जो कॉर्ड और जो प्लेसेंटा आल्सो डिस्चार्ज आल्सो रैप्चर एंड डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस, यानी उसको यूट्रस उसको भी त्याग दिया जाता है। यानी पहला आपने बता दिया कि एम्ब्रियन कैविटी है जो एम्ब्रियन जो मेंबर होता है वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर दैट डिलीवरी द प्लेसेंटा आल्सो रैप्चर एंड डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस बाई यूट्रस थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा इसको भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ओके, और जो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है उस अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टूडेंट क्या कहते हैं नोड लगाकर, एक्चुअली क्या करके आफ्टर द नोड यू कह सकते हैं कट कर दिया जाता है, ओके, तो ये प्रोसेस समझ गए। अब इसका लास्ट जो फॉर्मेशन है सर आफ्टर द डिलीवरी, अब जो जो मैटरन जो ग्लैंड्स होती है वो प्रोसेस क्या बोलते हैं लैक्टेशन स्टूडेंट इसको समझेंगे। आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर द पर्टुरेशन The maternal memory glands produce of milk, okay? Produce of the milk. It is process also called lactation. यानी कह सकते हैं कि जो memory जो maternal जो है, वो delivery के बाद उसकी जो breast होती है, यानी उसकी जो स्तन ग्रंथि जो glands होती है, उनके द्वारा उसको समझेंगे। इनके द्वारा और यू कह सकते हैं कि every glands consists या कंटेन होता several alveoli या milk alveoli, या यू कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी alveoli होती है और ये जो सभी जो duct like sorry ductful cells होती है और these are produce या synthesis of the milk, okay, तो यू कह सकते हैं after the parturition mammary glands होता है मैटर या कोई maternal mammary glands producing of the milk it process also लैक्टेशन। अब यू कह सकते हैं कि लैक्टेशन के बाद में जो मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा जो इनिशिएट यू कह सकते हैं कि जो मिल्क यू कह सकते हैं ए मिल्क या द मिल्क जो मिल्क यू कह सकते हैं द मिल्क कम आउट टू मेमरी ग्लैंड्स ऑफ
मैटरनल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैटरनल इन इनिशिएट डेज, यानी कैसे इनिशिएट या ड्यूरिंग द इनिशिएट डेज आल्सो कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। क्या क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं या इसको समझें कि सबसे जो इनिशियल डेज में जो मेमोरी ग्लैंड्स जिस मिल्क को प्रोड्यूस करती है, जो मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आता है, जो सबसे इनिशियल डेज में यू कह सकते हैं कि आफ्टर टू डिलीवरी बाय 2-3 डेज या 2-7 डेज तक जो मिल्क जो आता है स्टार्टिंग वाला, उस इनिशियल मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। व्हाट इज द कंटेंट, जो कोलेस्ट्रॉम होता है या कह सकते हैं कि जो मैटर जो मिल्क होता है, इट इज अ कंटेंट ऑफ द एंटीबॉडीज, सेवरल एंटीबॉडीज, इसको समझें, इट इज कंटेंट ऑफ सेवरल एंटीबॉडीज and all the यानी कैसे many type of the nutrient, यानी जो nutrient matter होता है वो उसके अंदर क्या होते हैं content होते हैं, like lactose sugar, sugar कौन सी होती है student, lactose होती है, protein also, water and minerals, okay, और इसके अंदर antibody होती है, specific antibody होती है IgA, ये आप समझेंगे, मैं अभी आप लोगों को ये कह सकता, इट इज ए कंटेंट होता है, यू कह सकते हैं इट इज ए कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, इट इज ए कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल कौन है, द मिल्क कम आउट, यू कह सकते हैं द मिल्क कम आउट टू मेमोरी ग्लैंड्स, एंड यू कह सकते हैं इन इनिशियल डेज या ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, यानी प्रारंभिक दिनों में स्तनों से या ब्रेस्ट से आने वाला जो मिल्क है उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और इट इज कंटेंट और यू कह सेवरल एंटीबॉडीज एंड सेवरल न्यूट्रिएंट्स, और यू कह सकते हैं दीज हेल्प, यू कह सकते हैं या यू कह दीज प्रोवाइड टू स्टर्लिंग बेबी, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड इम्यूनिटी, न्यूट्रिएंट एंड इम्यूनिटी टू स्टर्लिंग बेबी, जो स्टर्लिंग बेबी होती है उसको यू कह सकते हैं कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, ओके स्टूडेंट, और इट इज यू कह सकते हैं, और इसको स्पेशली मैं बात और बोलूंगा, यू कह सकते हैं कि ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग, इससे हमारे पास कह सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग also you कह सकते हैं कि thus इसीलिए breast feeding also recommended by the doctors, also recommended by the doctors that you कह सकते हैं for good health, you कह सकते हैं good health for, you can good health for stillling baby, and stillling baby के अच्छे health के लिए या hygienic health के लिए या immunity के लिए breast जो यू कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इट इज ए कंपल्सरी, और ज्यादा मिली यू कह सकते हैं कि टिल यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग इट इज ए कंपल्सरी फ्रॉम ब्रिथ टू 6 मंथ, यानी इसको कम से कम 6 मंथ तक तो इसको कंटिन्यू रखना ही चाहिए, क्योंकि जो फीडिंग होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो एक्चुअल में बेबी के लिए न्यूट्रिशन एंड एंटीबॉडी, यू कह सकते हो उसे जो इनिशियल डिजीज होती है उन डिजीज के लिए एंटीबॉडीज वर्क एज ए वैक्सीन, तो ये उसकी इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिएंट दोनों का वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समरी लैक्टेशन एंड डिलीवरी सभी कोर्सेज को हमने पढ़ा, पर एक लास्ट में बात तो बोलूंगा कि लैक्टेशन ऑफ यू कैन, जो लैक्टेशन जो है इट इज प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय, यानी इट इज आल्सो न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस, ये भी न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस है, तो आफ्टर द प्रोड्यूसर जो यू कह सकते हैं कि जो टू हार्मोन्स इंड्यूस्ड टू लैक्टेशन ऑफ ब्रिस्ट, ब्रिस्ट को लैक्टेशन के लिए क्या इंड्यूस करते हैं, वन ऑफ देम उनमें से वन जो पहला प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा स्टूडेंट प्रोलैक्टिन पीआर प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसको समझ लें, इज अ लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक आवर दिस चैप्टर, तो प्रोलैक्टिन यू कह सकते हैं दिस हार्मोन रिलीज, यानी ये जो हार्मोन रिलीज बाय द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो, और इट रिलीज बाय द पोस्टीरियर पार्ट, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके द्वारा रिलीज होता है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है स्टिमुलेटिंग टू मेमोरी ग्लैंड्स फॉर यू कैन से फॉर सिंथेसाइज ऑफ मिल्क, यानी एक्चुअली किसके लिए प्रोसेस करता है स्टूडेंट, सिंथेसाइज ऑफ मिल्क, यानी मिल्क के सिंथेसाइज के लिए करता है, और इट रिकमेंडेशन या इट इंड्यूस टू ब्रेक सेक्रेशन ऑफ, यू कह सकते हैं सेक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी ये मिल्क के सेक्रेशन के लिए, ये एक्सपल्शन यानी एक्सपल्शन के लिए, यानी कह सकते हैं एक्सपल्शन क्रिया के लिए क्या करता है इंड्यूस करता है, तो लैक्टेशन
Prostate also induced by hormones. So these hormones, these two type hormones induced of the lactation process. तो आप समझ जाओगे prolactin hormone तो क्या करता है mammary glands के अंदर जो दूध होता है जो mammary glands की जो milk जो cells होती है उनमें milk के synthesis को process को activate करता है और ये act में lactation यानी करता है secretion and impulsion of the milk को induce करता है. तो students इस video को आप बीच में पोज करेंगे और पोज करके इसके जो डायग्राम्स हैं और जो फ्यूचर ऑफ द जर्नल लेयर्स है या यू कह सकते हैं कि जो मैंने आपको ऊपर जो गेस्टुरेशन प्रोसेस है पार्टुरेशन प्रोसेस है लैक्टेशन है कोलेस्ट्रॉम है एंटीबॉडीज है यानी यू कह सकते व्हिच एंटीबॉडीज आर ओक्यूरिन एंड कोलेस्ट्रॉम दो आप यू कैन राइट IgA. तो इसमें आप लोगों ने काफी बड़ा अब नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स में बनाऊंगा जिसमें मैं ये जो आप लोग देखोगे कि जितने भी टॉपिक्स हमने लिए हैं these related correlated with the, you correlated with the RBC and CBSE okay CBSE are दोनों से correlated है और approximately अब हमने जो next video बनाऊंगा इसमें अप्रो हम लोगों ने इन वीडियो के माध्यम से 3-4 चैप्टर्स को हम लोगों ने एक्चुअली क्या कर लिया मेंटेन कर लिया अब हम इन 3-4 जो चैप्टर्स हैं इनके हम लोग जो क्वेश्चंस के साथ एक वीडियो बनाऊंगा और उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में फिल कर लेंगे ओके स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच.